स्टूडेंट लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स नाउ लोएस्ट टर्म्स मीन सिंपलर फॉर्म मतलब जितना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हो सकता है उस फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन को उतना रिड्यूस करना ताकि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके ओके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फर्दर डि किया जा सके तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपल से सिंपल फॉर्म में हमें लाना होता है दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट

वही कहलाएंगे ना सबसे कम से कम नंबर बन जाएंगे सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म डिवाइड द न्यूमरेटर एन मीन न्यूमरेटर एंड डी मीन्स डिनोमिनेटर बाय देयर एस सी एफ वी हैव सीन द एस सी एफ मैथड इन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर फाइंडिंग fraction that method we are going to use it over here so whenever we were finding the equivalent fraction by that method we have seen that we have got the smallest fraction over there A small see over here we have used this method this is scf method and here 3 upon 4 is the equivalent fraction and it is the smallest equivalent fraction of this fraction okay so scf method is used to find out the um, to find out the lowest terms or simplest form of any fractions so same concept is there we will find out the scf of 24 and 36 so the scf of 24 and 36 is 12 what you can do you can just divide 24 uh, you can just find out the factors of 24 by the prime factorization method and you can find out the SCF 2 1s 2 2s 2 6s 12 and 2 a 6 3 1s are 3 so the factors are 2 into 2 into 2 into 3 okay now the 36 similarly 36 ka kar so 36 will be okay it is an even number. 2 1s are 2. And 2 8s are 16. 2 9s are 18. And 3 3s are 9. 3 1s are 3. So, its factors are 2 into 2 into 3 into 3. So, what are the common factors? This 3 is common. Okay. And the other common factor is 2. And one more common factor is there. 2. So, 2 into 2 so what are the common factors scf be 2 into 2 into 3 Two 2 is a 4 4 3 is a 12 so scf is 12 you can find out by this method now

एन एग्जाम्पल सो हेयर इज द एग्जाम्पल दिया स्मोलेट से स्टार्ट करो टू है ना तो टू से डिवाइड करेंगे अगर वन हंड्रेड ट्वेल्व को सो वी विल गेट फिफ्टी सिक्स एंड इफ 92 टू इज डिवाइडेड बाई टू वी विल गेट हाउ मच फोर्टी सिक्स यू कैन डू द डिविजन इन द रफ कॉलम ना वी हैव गॉट फिफ्टी सिक्स अपॉन फोर्टी सिक्स ना फर्दर वी विल डिवाइड इट नाउ We have to see which number we should take for division. So here both are. If even then you divide karte by Okay. Since both are even then again we will divide 56. So let us divide. 2 2's are 4. And 2 8's are 16. Okay. So this will become 28. Now upon. Divide 46. 2 2's 4. ओके दैन सिक्स टू थ्री इज अ सिक्स सो इट इज ट्वेंटी थ्री ओके सो नाउ लेटे सी कैन दिस नंबर बी फर्दर डिवाइडेड क्या ट्वेंटी थ्री किसी के टेबल में आता है नहीं ना सो दिस नंबर कैन नाट बी फर्दर डिवाइडेड हैंड्स दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस नंबर अगर ये फर्दर डिवाइड हो जाता तो हम इसको करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है ना दैट्स वाई अगर इनमें से कोई एक नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता देन वी विल स्टॉप देयर ओके लेट अस टेक अनदर एग्जांपल

थ्री सो थ्री एट्टीन कब आता है थ्री फाइव ज फिफ्टीन थ्री सिक्स ज एटीन ओके एंड थ्री नाइन ज ट्वेंटी सेवन ना अगेन सिक्स एंड नाइन बोथ कम्स इन द टेबल ऑफ थ्री सो वी विल डिवाइड बोथ नंबर बाय थ्री थ्री टू जिक्स एंड थ्री थ्री ज नाइन होता है ओके सो डिवाइड करने पे हमें लोएस्ट फॉर्म क्या मिला है दिस इज द लोएस्ट और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर दिस इज द सेकेंड मैथड ओके सो यू हैव टू डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर्स दिस आर कॉमन फैक्टर्स ओके इट कम्स इन द टेबल ऑफ 18 ऑल्सो इट कम्स इन द टेबल ऑफ इट कैन डिवाइड ट्वेंटी सेवन ऑल्सो एंड इट कैन डिवाइड एटीन ऑल्सो सो थ्री इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ